बात करें पीएम मोदी के दौरे की, तो दूसरे चरण के लिए प्रचार खत्म होने के बाद अब नेताओं का सारा फोकस तीसरे चरण के चुनाव पर टिक गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में रैली को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी कांग्रेस पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। चौकीदार के बहाने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री ने पलटवार किया। प्रधानमंत्री ने पिछड़ा कार्ड खेलते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुझ पर निशाना साधते साधते पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहना शुरू कर दिया है कि कैसे मुझे गाली देते देते कांग्रेस के नामदार अब एक पूरे समाज को गाली देने में जुड़ गए हैं। नामदार ने पहले चौकीदारों को चोर कहा और जब चौकीदार सारे मैदान में आए और हर हिंदुस्तानी चौकीदार कहने लगा तो उनके मुंह पे ताला लग गया और अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अब जब चौकीदार चोर है मामला चला नहीं तो अब हर व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं जिस कह रहे हैं कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है। भाइयों बहनों, पिछड़ा होने की वजह से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी है। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन इस बार वो इससे भी आगे बढ़ गए हैं और पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लग गए हैं।